आप सभी ने साउथ इंडिया के मोस्ट पॉपुलर एक्टर साई धरम तेज के बारे में तो जरूर सुना होगा। साई धरम तेज यानी पंजा साई धरम तेज तेलुगु फिल्म्स के एक जाने माने एक्टर हैं, जिन्होंने अपने फिल्मी करियर का डेब्यू किया था फिल्म पिल्ला नुव्वु लेनी जीवितम से, और इस फिल्म के लिए उन्हें मिला था बेस्ट मेल डेब्यू का सीमा अवार्ड। इसके बाद साई ने कई सारी सक्सेसफुल फिल्म्स में काम किया, लेकिन रिसेंटली उनसे जुड़ी एक काफी दर्दनाक खबर सामने आई, और वो ये कि सितंबर के महीने में साई धरम तेज बाइक दुर्घटना में घायल हो गए। उस समय साई एक स्पोर्ट्स बाइक चला रहे थे और कीचड़ की वजह से वो फिसल गए, जिसके बाद ये दुर्घटना घटी और जिसकी वजह से उन्हें काफी चोट भी लगी। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी एक्सीडेंट से जुड़ी हुई एक बेहद दुखद घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट बेस्ड वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। अब आइए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं एक्टर साई धरम तेज से जुड़ी हुई इस दुर्घटना के बारे में। सितंबर के महीने में साई धरम तेज एक बाइक एक्सीडेंट के शिकार हुए थे। इसके बाद ये बताया गया कि कीचड़ में उनकी बाइक के फिसलने की वजह से वो बाइक से गिर गए और उन्हें चोट लग गई है। उनके फैंस अभी तक यही समझ रहे थे कि इस दुर्घटना की वजह से साई को कोई खास नुकसान नहीं हुआ है। इस दुर्घटना के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, लेकिन अब साई से जुड़ी हुई एक बेहद दुखद न्यूज अपडेट सामने आ रही है। अभिनेता पवन कल्याण ने रिसेंटली एक इवेंट में बताया कि बहुत सी मीडिया कवरेज में ये बात कही गई थी कि साई ओवर स्पीडिंग कर रहे थे और इस वजह से वो गिरे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक चला रहे थे और उन्होंने एक ऑटो को ओवरटेक किया था। इस ओवरटेकिंग के दौरान ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से साई फिसल गए और उनकी बाइक गिर गई, और बाइक के साथ उन्हें भी काफी चोटें आईं। वो जब से अस्पताल गए हैं तब से अभी तक कोमा में हैं और उन्होंने अभी तक अपनी आंखें नहीं खोली है। एक्टर पवन कल्याण के इस अपडेट के बाद से साई के फैंस और फॉलोअर्स काफी निराश हैं और काफी परेशान भी हैं, क्योंकि साई अभी तक कोमा में है। पवन कल्याण की ये सब बातें सुनकर फैंस को काफी चिंता हो गई है। आपको बता दें कि माधापुर पुलिस ने साई धरम तेज के खिलाफ तेज रफ्तार से बाइक चलाने और अपनी जान को जोखिम में डालने का मामला दर्ज किया है। हालांकि उन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, ऐसे में उनके सिर पर चोट नहीं लगी, लेकिन साई की आंखों, छाती और कमर के दूसरे हिस्सों पर काफी चोटें हैं। दुर्घटना की खबर सुनते ही परिवार के लोगों में भाई वैष्णव तेज, अंकल पवन कल्याण और कजन वरुण तेज अस्पताल पहुंचे। साई धरम तेज फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनकी माता विजय दुर्गा तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार और राजनेता चिरंजीवी की बहन हैं। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन, रामचरण, अल्लू सिरीश, वरुण तेज और निहारिका कोनिदेला उनके कजिन्स हैं। साई धरम तेज के छोटे भाई वैष्णव तेज भी तेलुगु सिनेमा के एक्टर हैं। साई धरम तेज ने साल 2014 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और पहली ही फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। फिलहाल साई इस समय हॉस्पिटल में है और अब उनके फैंस और फॉलोअर्स यही प्रार्थना कर रहे हैं कि साई बहुत जल्द कोमा से बाहर आएं और वापस एक नॉर्मल लाइफ में आ जाएं। साई से जुड़े हुए हेल्थ अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, ताकि जैसे ही हम उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई वीडियो रिलीज करें वो आपको तुरंत पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, कल एक और वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात। तब तक के लिए बाय बाय।